प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में पढ़ा था, आज हम स्टॉपवॉच के बारे में सीखेंगे। अ स्टॉपवॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉपवॉचेस, मैकेनिकल एंड डिजिटल एज शोन इन फिगर। अ मैकेनिकल स्टॉपवॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। डिजिटल स्टॉपवॉच कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज एंड कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। स्टॉपवॉच किसी वाक्या या इवेंट का टाइम इंटरवल मापने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी दो इकसाम हैं, मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, यानी मैकेनिकल स्टॉपवॉच से जो छोटे से छोटा टाइम इंटरवल मापा जा सकता है वो 0.1 सेकेंड का है। अगर इंटरवल इससे छोटा है तो हम मैकेनिकल स्टॉपवॉच इसे माप नहीं सकते। इसके मुकाबले में डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड है। अब हम स्टॉपवॉच को इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। अ मैकेनिकल स्टॉपवॉच हैज अ नॉब दैट इज यूज्ड टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए स्टार्ट और स्टॉप एंड रीसेट बटन। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस। व्हेन प्रेस्ड सेकेंड टाइम इट स्टॉप द वॉच, वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू जीरो पोजीशन। मैकेनिकल स्टॉपवॉच पर एक बटन होता है जिसे स्टार्ट, स्टॉप या रीसेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बटन को एक दफ़ा प्रेस किया जाता है तो स्टॉपवॉच स्टार्ट हो जाती है और इसकी सुई हरकत में आ जाती है। दूसरी दफ़ा प्रेस करने पर वॉच रुक जाती है। तीसरी दफ़ा प्रेस करने पर सुई वापस जीरो पोजीशन पर आ जाती है। द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट और स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। एज सून एज स्टार्ट और स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप्स एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। अ रीसेट बटन रीस्टोर द इनिशियल जीरो सेटिंग। डिजिटल स्टॉप वॉच पर दो बटन मौजूद होते हैं। जब हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो वॉच स्टार्ट हो जाती है। इस बटन को जब दोबारा दबाया जाए तो वॉच स्टॉप हो जाती है। रीसेट के बटन को दबाने पर डिजिटल स्टॉपवॉच वापस जीरो सेटिंग पर आ जाती है। शुक्रिया।